पत्रकारों को तनाव मुक्त रखने के उद्देश्य से प्रेस क्लब शिमला द्वारा इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिवसीय प्रेस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर उपायुक्त शिमला बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। खेल गतिविधियां केवल मनोरंजन का साधन ना होकर अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक दमखम और बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। खेलों के माध्यम से व्यक्ति तनाव मुक्त रह सकता है। इसी को देखते हुए शिमला में प्रेस क्लब द्वारा समय समय पर कई आउटडोर व इंडोर खेल गतिविधियां आयोजित की जाती है, ताकि पत्रकार अपनी व्यस्त व तनावपूर्ण जीवन शैली से खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाल सके। इसी कड़ी में प्रेस क्लब शिमला द्वारा शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रेस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं पत्रकारों को तनाव मुक्त रखने के साथ उन्हें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखती है। सर्वप्रथम इनका जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। ये अत्यंत ही जो है सराहनीय प्रयास है कि जो प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं हर वर्ष जो है स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो प्रतिस्पर्धा की जो भावना इनके अंदर जो है बढ़ती है और स्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर जो है इनका जो है वो बढ़ता है। इसके अंदर मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इसमें जितने भी मेंबर्स यहाँ पर शरीक होते हैं बिल्कुल एक अच्छे तरीके से इन्होंने तैयारी की हुई है और ये सब जो है बधाई के पात्र हैं और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी इसमें खिलाड़ी जो है शरीक। इस मौके पर प्रेस क्लब शिमला के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने बताया कि पत्रकारों की जीवन शैली अक्सर तनावपूर्ण रहती है, जिसे देखते हुए समय समय पर प्रेस क्लब द्वारा खेल गतिविधियां आयोजित की जाती है, ताकि पत्रकार तनाव मुक्त हो सके। इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य रहता है, जैसे पत्रकार के साथ स्ट्रेस भी रहता है, तो इसलिए जब हम समय समय पर खेलकूद का आयोजन करते हैं उससे स्ट्रेस फ्री रहता है और फिजिकली फिट भी रहता है। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल में पत्रकार अपना खूब दमखम दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।